अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ख़ुद को टाइम दे रहे हो, ख़ुद को टाइम देना शुरू कर दें। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि एक इंसान आपके साथ झूठी मोहब्बत करता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको धोखा देना चाहता है, वो आपके जज्बात को इस्तेमाल करना चाहता है या जज्बात के साथ खेलना चाहता है, आपको कैसे पता लगेगा। तो मैं आपको आज पहचान करवाऊंगा, जो शख्स आपके साथ झूठी मोहब्बत करता है ना, वो 5 से 6 बातें आपको लाजमी बोलेगा या 5 से 6 काम लाजमी करेगा। इन चीज़ों को गौर से सुन लें, गौर से सुने, ताकि आप कभी धोखा ना खा सकें, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है ना, ताकि आप फेक लोगों से दूर जा सकें, ठीक है ना। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और गौर से मेरी बातें सुने और कमेंट्स आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ याद रखना, वो शख्स आपसे कहेगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपके दरमियान में कोई दोस्ती वाला रिश्ता नहीं होगा। गौर से सुने मेरी बात, यानी कि वो मोहब्बत के दावे करता है लेकिन दोस्त नहीं है आप। देखो दोस्त कौन होता है, गौर से सुने, दोस्त कौन होता है, मैं कहता हूं दोस्त वो होता है जो गम में आपका साथ दे। क्या? दोस्त वो होता है जो गम में आपका साथ दे। खुशी में तो हर बंदा आपके साथ खड़ा होता है, आपके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप परेशान होते हैं, जब आप मुश्किलात में होते हैं, तब जो बंदा आपके साथ खड़ा होता है वो आपका दोस्त होता है। और जो शख्स आपके साथ मोहब्बत के दावे करता है लेकिन वो दोस्त नहीं है, यानी कि वो गम में आपका साथ नहीं देता, वो आपको सहारा नहीं देता, वो मुश्किलात में आपके साथ खड़ा नहीं है, जब आप पर मुश्किलात आती हैं वो भाग जाता है, वो आपको मिलता भी नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपके पास है ही नहीं, आप ढूंढते हो वो मिलता नहीं आपको। इसका मकसद है उसके जज्बात जो है ना सिर्फ लफ्ज़ों तक हैं, अंदर से जज्बात नहीं है। याद रखना, जिसके अंदर से आपके लिए जज्बात होते हैं ना, वो मुश्किल में आपको नहीं छोड़ता, गम में आपको नहीं छोड़ता, गम में वो आपको मोटिवेट करता है, सहारा देता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ठीक है ना। याद रखना पहली ये चीज़। सेकंड याद रखना, वो शख्स चाहे वो मेल है फीमेल है, वो मजबूरियों के बहाने बनाएगा, वो कहेगा कि जी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, जो एक कड़वी हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहेगा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, हमारे ख़ानदान में बाहर शादी नहीं होती, या मैं पहले से इंगेज हूँ, या मैं अपने ख़ानदान में ही शादी करूँगा, या मेरा कहीं और लव है, एट्सेट्रा, ऐसी बातें आपको बोलेगा, ठीक है। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये वाली एक बात आपको लाजमी वो शख्स बोलेगा कि हमारे पास ऐसा होता ही नहीं है, हमारे पास ऐसा होता ही नहीं है, आपको 100 मजबूरियों के बहाने बनाएगा, या आप गरीब हैं, हम आपके साथ नहीं कर सकते, हमारे घर वाले अबू मान गया, अम्मी नहीं मान रही, फलां फलां चीज़ें, ये सारी चीज़ें वो इंसान आपको बोलेगा, ठीक है ना। जिस इंसान को आपसे दिल से लगाव होता है ना, वो शख्स हर इंसान से आपके लिए लड़ लेता है, वो हद से ज़्यादा कोशिश करता है, हद से ज़्यादा, और आपको फील हो जाएगा कि वो इंसान वाकई कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और जब कोई इंसान अपनी ज़िद पे आ जाता है, वो हर इंसान को, सब लोगों को मना लेता है, लेकिन जो इंसान शुरू होते ही आपको ये बोल दे कि मेरी मजबूरी है, ये हो गया वो हो गया, या 6 महीने गुजारने के बाद मेरी मजबूरी है, तो वो जस्ट झूठा है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, और आप मासूम हैं, मासूम, बहुत मासूम, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सेकंड चीज़ है, इसको अपने जहन में रखें गौर से। थर्ड चीज़, वो इंसान लंबे अरसे तक आपके साथ बात तक नहीं करेगा, याद रखना, यानी कि आपकी नाराज़गी या वो आपके साथ नाराज़ होता है 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना या 15 दिन उसने आपको ब्लॉक रखा, 1 महीना ब्लॉक रखा, या 4 महीनों के बाद वो वापस आया, फिर आपके साथ बात करना चाहता है, आपने फिर कहा जी हाँ जी कर लें, 2 महीनों बाद आया फिर बात करने, आपने फिर कहा चलें जी हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे काम करेगा वो, लंबे अरसे तक आपके साथ बात नहीं करेगा, आपको इग्नोर करेगा, आपकी कदर नहीं करेगा, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, याद रखना। लेकिन जो इंसान आपके साथ सच्चा होता है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपसे दूर नहीं जाता, और नफ्सियात कहती है 3 से 4 दिन तक कोई इंसान जो आपसे दिल से मोहब्बत करता है वो आपसे नाराज़ रह सकता है, 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता लगा लें, इससे ज़्यादा
जो दिल से मोहब्बत करता है वो आपसे नाराज नहीं रह सकता, वो आपके साथ दोबारा रابطہ करने की कहीं ना कहीं से कोशिश जरूर करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी अपने जहन में बिठाएं, फेक लोगों से दूर जाएं, अपने आप के साथ खुश हो जाएं, अपने आप को वक्त दें तो बेहतर है, ठीक है ना। जिंदगी को बर्बाद मत करें। फोर्थ चीज़, आप वक्त मांगोगे वो आपको बोलेगा एक तो तुमने जलील कर दिया है मुझे। अक्सर आपको ये बात सुनने को मिलेगी, मुझे अपने काम होते हैं, मैं अपने कामों में बिजी होती हूँ या मैं बिजी होता हूँ, तुम मुझे जलील करते हो, ये हो गया वो हो गया, एक तो ये हो गया, तुम्हारे पास जो अपने रोने हैं, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, यानी कि वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, वो आपको आपकी कदर नहीं कर रहा, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है। आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। ये चीज़ रेयर केसेस के अंदर होती है, लेकिन अक्सर ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी अपने जहन में बिठाएं कि कोई इंसान आपके साथ अगर ऐसा करता है ना, तो समझ लें वो कहीं ना कहीं उसके जहन के अंदर कुछ ऐसा है, या तो वो आपसे थोड़ा तंग हो गया है, या उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ है, या वो बोर हो रहा है, ठीक है, या आपने उसको एक्स्ट्रा तंग कर दिया है। ये सिचुएशन इन चीज़ों की वजह से होती है, ठीक है ना। क्या पता आपने एक्स्ट्रा तंग कर दिया हो, ये भी जहन में रखें। तो अगर आप एक्स्ट्रा तंग करते हैं तो आपने नहीं करना। ये वाला जो केस है ना, ये एक्स्ट्रा तंग करने की वजह से भी होता है, और फेक लोग भी ये वाला केस करते हैं। तो ये आपने खुद ही जज करना है कि आपने किसी किसी को एक्स्ट्रा तंग किया है या वो फेक बंदा है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पांचवी चीज पर, इसको बोलते हैं फेयर वेदर टॉक। फेयर वेदर टॉक यानी कि जब मौसम ठीक है तब बात करेगा। मौसम ठीक का मकसद है जब उसका दिल करेगा तब बात करेगा, लेकिन जब आपका दिल करता है तब बात नहीं करेगा, अपनी मन मर्जी करेगा। जब उसका दिल करता है वो आपसे बात करने लग जाएगा, जब उसका दिल नहीं करता आपसे बात नहीं करेगा, आपको वक्त नहीं देगा, यानी कि अपने हिसाब से वो चलेगा। आपकी फीलिंग्स की, आपकी परेशानी की, आपकी खुशी की, आपकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। उस इंसान को अपने इमोशन प्यारे हैं, वो अपने इमोशंस के हिसाब से आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपके साथ बात करेगा। जब उसका दिल है, जब उसकी मर्जी है, जब उसके पास वक्त है, जब वो अच्छी सिचुएशन में है, तब वो आपके साथ बात करेगा। लेकिन जब वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है, जब उसका दिल नहीं है, जब उसके पास फीलिंग्स नहीं है, जब उसके पास इमोशंस नहीं है, वो आपके साथ बात तक करना नहीं चाहेगा। ये सबसे बड़ी निशानी होती है फेक लोगों की, ठीक है ना। याद रखें ये मेरी बात, यानी कि जब उन ऐसे समझें कि जब उनको आप में काम पड़ता है वो आपकी तरफ आते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, कोई भी काम पड़ा मीठे हो जाते हैं, खरबूजे से भी ज़्यादा मीठे, खरबूजा भी कभी कभी फीका निकल आता है, वो गुड़ से ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, समझें, ठीक है ना। तो इतने मीठे होके आपकी तरफ आते हैं, आप तो कहते हैं वाह क्या इंसान है, क्या इंसान है, लेकिन वो जो मीठा होता है उसके पीछे क्या छुपा हुआ है उसका आपको बाद में पता लगता है कि इसके पीछे तो ये छुपा हुआ है। ये मीठा तो इस वजह से हुआ था ताकि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो आपको अपना बना सके, और आप बन जाते हो क्योंकि आप मासूम हो, ठीक है ना। इसी वजह से आप नरम दिल इंसान हो, आप हसास हो, आप उनकी बातों में लग जाते हैं, फिर आपको नुकसान होता है बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखें। और लास्ट और फाइनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आप जब उस इंसान के साथ रहोगे ना, याद रखें ये मेरी बात, आप जब उस इंसान के साथ रहोगे आप बैड फील करोगे, आप बुरा फील करोगे। बुरा फील करने का मकसद, अंदर ही अंदर आपको गिल्ट फील होगा, अजीब किस्म की आपको आपका छठा सेंस काम करेगा कि ये गलत बंदा है, ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आपको डिफरेंट ऐसी सोचें आएंगी, आप अजीब फील करोगे सिर्फ उस इंसान की वजह से कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है। आपके जहन में डाउट होंगे बहुत ज़्यादा, आपके जहन में तकलीफ़ होगी, आपको नींद नहीं आती होगी, रात को आप सोते होंगे आपका सर जो है ना वो दर्द से फट रहा होगा, सुबह को उठेंगे फिर भी आपके साथ ऐसा होगा, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, आपका जो भी काम है उसमें मन नहीं लगेगा, लोगों के साथ बात करने का दिल नहीं करेगा, आपकी लाइफ बड़ी ख़राब होती जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, खाना खाने का दिल नहीं करेगा, खाना खाओगे भी जो एक नॉर्मल रूटीन है उससे कम खाओगे, ठीक है। अजीब सिचुएशन आपकी हो जाएगी, आपके स्टोमक में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपका मादा वो भी ख़राब हो सकता है इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाते हो तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों पर आपने गौर करना है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है लंबे अरसे तक, कुछ दिन के लिए हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन लंबे अरसे तक ऐसी कुछ भी आपको सिचुएशन मिल रही है तो आपके जहन के अंदर घंटी बजनी चाहिए, अलार्म बजना चाहिए कि ये चीज़ गलत है,
ठीक है ना। और आज से ही आपने फैसला करना है, अगर वो इंसान गलत है, ठीक है, जो इंसान आपके साथ चल ही नहीं सकता, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहना ही नहीं चाहता, उस इंसान को दूर कर दें खुद से, अच्छा होगा आपके लिए। आप ये सोचेंगे कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, मसला नहीं होगा, यही आपकी मेडिसन है। आप समझते हो शायद उसके पास जाने से वो करीब होगा तो मैं ठीक रहूंगा या रहूंगी, ऐसा नहीं है। वो करीब होगा क्योंकि वो आपके साथ चलना ही नहीं चाहता, वो आप उसने आपको सीधा मना कर दिया, उसने सीधा मजबूरी का बहाना बनाया, कुछ भी है, ठीक है, और आपको वो गलत चीज़ों की तरफ माइल करना चाहता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको आपसे गलत काम करवाना चाहता है या वो आपसे गलत रिलेशनशिप रखना चाहता है, ठीक है, उसकी इंटेंशन ये है, आपको फील हो जाएगा। तो अगर ऐसा फील होता है तो अपने आप को सीधा कर लें ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो जाए, ताकि आप आगे बढ़ पाएं, अदरवाइज आप परेशानियों में घिर जाओगे, आप अपने लाइफ के काम भी नहीं कर पाओगे, आपकी जो आपका जो काम है वो बड़ा डिस्टर्ब होगा। तो खुदारा खुदारा चीज़ों में सिंसियर हो जाएं, अपने कामों में सिंसियर हो जाएं, अपने आप के साथ सिंसियर हो जाएं, ताकि आपकी लाइफ बेहतर बन सके, ताकि आप ज़िंदगी में आगे जा सकें, ताकि आप खुश रह सकें, ठीक है ना। इस दुनिया में इंसान आया है ना, उसको खुशियाँ भी चाहिए, गम ही गम ना, आप गमों में ना घिर जाएं कि बस गम आ गए हैं, आप कोशिश करोगे आप उठ जाओगे, अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो नहीं उठोगे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।